ये अर्थ कलर्स हैं जो अंबर्स, स्यांस, रौस्याना, बंस्याना, ओकर्स, ये पेंटिंग के लिए कलर्स नहीं बने हुए, ये अंडर पेंटिंग के लिए बने हुए। हम जिन उस्तादों की बातें करते हैं, जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखें तो उसमें कमर्शियल एंगल ही कोई नहीं। कि खालिद इकबाल होंडा 70 पे फिरते थे, जो इदारे बैठे हुए हैं वो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेके, वो उनका एक काम बहुत ही शानदार है कि वो आर्ट को बर्बाद करने के लिए बेहतरीन काम कर रहा है। गुस्सा मेरा बहुत मज़े का होता कैसे हंसती रहती हूँ, कह यार सुबह से एक कप तुमने मुझे चाय दिया 9 दफ़ा तो 10वीं दफ़ा दे रही हो या मैं दूसरी भी कर लूँ को कह के दूसरी ही कर लो जाके चाय लेके आ जाएगी। मुझे बचपन से कोई पेंटिंग का शौक नहीं था, कत्तन नहीं था। और इंतहा तो ये है कि एक दफ़ा क्लास में हमें वो ड्राइंग की क्लास होती थी तो मुझे बड़ी डांट भी पड़ी, ना दिलचस्पी ना कुछ, ऐसे बेदिली से कुछ कर दिया। तो जब ज़्यादा डांटा तो अच्छा नहीं लगा, फिर मैं घर जा कर ना तो मैंने गुलाब के फूल बनाए वाटर कलर में, और दूसरे दिन मैं जाके अपने टीचर को दिखाया तो कहने लगे कि किसी से बनवा के ले आए हो, मैंने कहा जी आपकी मर्जी बनाया मैंने ही है। तो इसका मतलब थोड़ा हाथ में था कुछ। मैं तो खलंडरा सा, फुटबॉल खेलना, शरारतें करनी और हर तरह की गुल्ली डंडा तो कैंचे तो लड़ाइयाँ जगे भी मैं डिज़ाइन किया करता था बचपन में। वो जनाब दो ग्रुप्स, एक इसकी फ़ौज है एक हमारी फ़ौज है, इस तरह की हरकतें क्वेटा में पहाड़ों के नीचे। वो मैं कोई मैट्रिक में था, मेरा ख्याल है 16 साल हो गई उम्र मेरे। तो एक साहब थे क्वेटा में, वो अच्छी स्केचिंग करते थे, अच्छी ड्राइंग करते थे। मैंने उनसे कहा कि ये जो लोग ग्राफ लगा के ड्राइंग को एनलार्ज करके तस्वीर बनाते हैं तो ये कौन सी कमाल वाली बात है। तो उन्होंने बड़े तलजिया अंदाज में कहा कि नहीं, हर एक के बस का रोग नहीं है, हर कोई थोड़ी, ये भी हर कोई नहीं कर सकता, तुम कर सकते हो क्या? बस वो बात चुप गई। मैंने कहा अच्छा, समझ तो मुझे आती थी कि क्या किया हुआ। मैंने एक तस्वीर जो है वो फैमिली एल्बम में से छोटी सी थी, 3-4 इंच की होगी, तो उसको मैंने खासे बड़े साइज़ में 10-12 इंच एनलार्ज किया, ग्राफ लगाया, उसको ड्राइंग की, उसको शेड भरे और दूसरे दिन मैंने उनको दिखा दी। वो देख के तो भक्के पक्के रह गए, कहने लगे ये तुमने बनाई है? मैंने कहा ये इजाज़ मेरे कज़न, मैं कैसे पूछ लो, हम दोनों एक ही थे कमरे में थे, मैंने बनाई। कहता यार ये तो 2-2 साल लग जाते यहाँ तक पहुँचने में, तुम तो आर्टिस्ट हो। मैंने कहा हाँ मुझे भी लग रहा है मैं तो आर्टिस्ट हूँ। वो जो एक स्केच था बस उसने समझे मेरी दुनिया ही बदल दी। कौन सा फुटबॉल तो कौन सी हॉकी तो कौन सी शरारतें, मुझे इतनी दिलचस्पी हो गई कि वो पेंसिल मेरे हाथ से छूटी नहीं। फिर बस रोज़ मैंने वो कभी आँखें बनाऊँ फैंटेस्टिक, बड़ी मैंने ना फैंटसी वाली चीज़ें बनानी शुरू कर दी। आज जब पढ़ने के बाद पता चला कि उसको शायद सरलिज्म कहते हैं, तो वो एलिमेंट भी मेरे दिमाग में, बड़ी बड़ी आई लैशेज मैंने बना देनी, बड़े बड़े लंबे बाल बना देने, फिर अपने जो फिल्म स्टार्स होते थे फिरदौस मुझे बड़ी पसंद थी, उसकी मैंने बेशुमार पोर्ट्रेट की। इस बात को कुछ साल 1.5 साल हो गया होगा तो मेरे एक अंकल थे, उन्होंने मेरा काम देखा, करते हुए देखा, और वो देखा मुझे कहने लगे कि यार तुम ये बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन ये पेंसिल जो है ना ये नॉर्मल, इसकी बजाय ना तुम 2B, 4B और 6B की पेंसिल यूज़ करो। मैंने कहा पेंसिलें भी अलग अलग होती हैं क्या?
वो ये दूसरा स्टेप था कि जिसने मेरे बदल दिया सारा कुछ। और साथ में उन्होंने कहा कि पेपर भी अलग होता है, ये तो चार्ट वाला पेपर नहीं होता जो जिसपे बच्चे चार्ट बनाते। कहते नहीं, स्कॉलर का पेपर होता है तो फलां होता है तो कॉटेज पेपर। यार ये सारा कुछ तो मुझे पता ही नहीं। अनवर स्टेशनरी मार्ट होता था हमारे आचर रोड पे कोयटा में। बस मुझे तो बेचैनी लग गई, मैंने वो सारा काम छोड़ा, सीदा वहाँ गया। मैंने कहा स्कॉलर की शीट दे दे भाई। उसने वो महंगी थी, खैर मैंने वो ली, उसको मैंने कहा 4B 6B और ये 2B की पेंसिलें दे। वो मैंने ला के जो शुरू किया तो मैंने कहा तो दुनिया ही बदल गई है। जो काम मैं 2 घंटे में करता था ये तो 20 मिनट में हो रहा है, सॉफ्ट शेड ये वो। मैं सोच में पड़ गया, मैं कहा ना ये तो उस्ताद चाहिए। जो काम मैं साल में सीखूंगा तो उस्ताद तो मुझे 2 दिन में बता देगा, या मैं करते भी देखूंगा तो मुझे पता चल जाएगा। उस्ताद कहाँ से ले, कोयटा 1970-71 में कौन सा आर्ट तो कौन सी, कुछ भी नहीं था वहाँ पे, पहाड़ ही पहाड़। अब उस्ताद ढूंढ रहे वो एक सिनेमा था राहत सिनेमा हमारे कोयटा में प्रिंस रोड पे, तो उसके सामने ना उस पर मैंने कहा जो सबसे अच्छा सिनेमा के बोर्ड बनाता है ना ये ढूंढ। 2-3 लोग थे उसमें से एक चूज़ कर दिया मैंने, नीचे लिखा हुआ है पाक आर्ट। ये पाक आर्ट कहाँ, रनाता फिल्म थी उसके बैनर लगे हुए थे, बड़े अच्छे बने हुए। वो पाक आर्ट ढूंढ रहा हूँ तो पता चला कि वो मेरे घर के पास ही दूसरी गली में है, वो बोर्ड लगा हुआ था पाक आर्ट का। मैंने जाके उसको स्पॉट कर लिया, अच्छा अच्छा ये है जगह। और वहाँ एक साहब बड़े अच्छी पर्सनालिटी, खूबसूरत आदमी, असलम, उस्ताद असलम। मैं वहाँ सारा करके आ गया। अब झिझक के मैं उनके पास जाके उनको कैसे कहूँ कि मुझे शागिर्द रख ले। वो इत्तफाकन हमारी अम्मा की एक सहेली थी, उनको मैंने उधर से निकलते हुए देखा, उनके साथ ही उनका घर था, तो उनसे मैंने जिक्र किया। कहती तो वो तो पता नहीं उनकी बीवी का क्या नाम था कि उसका शौहर है, तो वो तो भाई जान है हमारे, मैं मिलवा देती हूँ, हम चले गए भी। वो हमें खाला हमारी लेके चली गई और अब जाते थे। मैंने कहा असलम इसको काम सिखा दे, तो मुझे देखा कहने ठीक कल से आज। अब वो जवानी कॉलेज हीरो बने हुए हैं, 3-पीस सूट पहना हुआ है हैं। तो मैंने कहा कि उस्ताद मेरे का हुलिया जो है वो मैले से कपड़े शलवार कमीज उन्होंने मैला सा पहना हुआ है, रंग लगे हुए हैं। अब मैं 3-पीस सूट जा पहन के तो उस्ताद जी के सामने बैठूँ तो ये तो जेब नहीं देता, ये उस्ताद के एहतराम के ख़िलाफ़ है। मैंने अपनी अम्मा से कहा, अम्मा मेरी खुद ही मुझे कपड़े भी सी के देती थी, तो मैंने कहा अम्मा मलेशिया का सूट आप अभी जाके बाजार से लेके आए और सुबह तक सी के मुझे देना है कि कल मैंने 2 बजे 3 बजे उस्ताद के पास जाना। वो सिलवाया गया, हमने वो पहना और पहुंच गए। उन्होंने मुझे एक तस्वीर दी, कहने लगे ये बना, वही ग्राफ लगा के जो तरीका है साइन बोर्ड पेंटर्स का हमने बना दी। वो देख के तो बड़े खुश हुए, कहने लगे उसमें कुछ उन्होंने करेक्शन की। जो करेक्शन की तो मैंने कहा मेरी अपनी स्केल में और अपनी जगह पे चीज़ें रख देने को नहीं ड्राइंग कहते, इसमें इन्होंने ये क्या हरकत की है। क्योंकि वो सिर्फ ना वो लिप्स के अंदर उन्होंने कॉर्नर्स पे ना ज़रा सा बस टच लगाया था। मैंने कहा देख लो। दूसरे दिन मैं गया तो मेरे उस्ताद कहने लगे कि ये बनाओ लेकिन तुमने ग्राफ नहीं लगाना, तुम्हारी ड्राइंग इतनी अच्छी है तुम फ्री हैंड करो। अपने तो मज़े आ गए जैसे क्लास में फर्स्ट आ जाते हैं। ले उस्ताद ने दूसरे दिन ही मुझे ये कह दिया, मैंने वहाँ से शुरू कर दिया। मैं कई साल यूं ही लगा रहा, तो मैं कराची आया, हम 2 दोस्त थे कराची आए, तो उनको इधर आर्ट्स काउंसिल में कोई काम था, वहाँ चले गए। वहाँ मैंने देखा तो क्लासेस हो रही बाकायदा, ये तो प्रॉपर क्लासेस होती हैं और मैं वहाँ बैठा हूँ, तो मैंने तो यहाँ आना। अच्छा जी, दूसरे वहाँ इकबाल मेहदी की ना पेंटिंग्स लगी हुई, वो मैंने देखी। तो मैंने वो जो क्लासेस देखी हैं आर्ट्स काउंसिल में, तो मैंने कहा प्रॉपर हो जाए तो और क्या अच्छा है। तो मैं वापस कोयटा गया
तो वहाँ पे मैंने जाके तो जिक्र कर दिया। मैंने कहा मैं तो पढ़ने जा रहा हूँ कराची। एक लड़का था सलीम, कहने लगा यार तुमने एजुकेशन ही लेनी है आर्ट की, तो कराची जाके क्या करोगे आर्ट्स काउंसिल में, वो तो कुछ भी नहीं है, इसका तो प्रॉपर कॉलेज है। मैं कहा वो कहाँ है, कहने लगे वो लाहौर में, उसका नाम है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। मैं कहता हूँ वहाँ कैसे जाना है, कहते यहाँ सेक्रेटरीट एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाओ, उनसे कहो मुझे वहाँ एडमिशन लेना, तो तुम्हारा एडमिशन हो जाएगा, चले जाना। यूँ मेरा एडमिशन हुआ और मैं 78 में फिर आ गया लाहौर NC। यहाँ से फिर मेरी दूसरी एजुकेशन, पढ़े लिखे आर्टिस्ट बनने शुरू हो गया हम। तो फिर यहाँ खालिद इकबाल और कॉलिन डेविड और सईद अख्तर और जहूरुल अखलाक जैसे हमें टीचर मिले, और लेकिन मैं अपने उस्ताद असलम को आज तक भूला नहीं हूँ। और जो मेरी एग्जीबिशन की कोई भी कैटलॉग होती है तो उसमें सबसे ऊपर उन्हीं का नाम लिखा, तो वो बहुत प्यारे आदमी, उनसे मैंने आर्ट जो सीखा तो बहुत स्किलफुल हाईली स्किल्ड वो थे, लेकिन जो कि साइन बोर्ड पेंटर हैं तो वो पेंटिंग भी किया करते थे, लेकिन उनकी क्वालिटीज़ कुछ और भी थी जो मैंने उनसे सीखी। ऑर्गेनाइज होना, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने चीज़ों को, क्योंकि हमारा ये सारा काम बड़ा गंदा होता है, तो लेकिन हर चीज़ की तरतीब, बड़े बड़े बोर्ड होते थे उठा के कहाँ ले जाना है, रास्ता कैसे होगा, जहाँ रखना है वो जगह बन चुकी है या नहीं बन चुकी, से आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो उनकी गुफ्तगू थी। हाँ, कमाल की मज़े की गुफ्तगू करते थे वो, और हर बात करते करते उस बीच में से छोटा सा कोई किस्सा निकाल लेना उन्होंने, उसको दिलचस्प बना देना, अच्छी तरह से समझा देना बात को, फिर उन्होंने अप्रिशिएट बड़ा किया। उन्हीं के एक और शागिर्द थे, वो एक किस्म के मुझसे जेलस हो गए कि यार मैं 6 साल से इनके पास हूँ और इन्होंने मुझे इजाज़त नहीं दी कि ग्राफ के बगैर फ्री हैंड ड्राइंग करो, ये आते ही दूसरे दिन इसको ये कर दिया। फिर एक दिन मुझे छोटा सा वाकया याद आ गया, मुझे कहने लगे कि लियाकत बाज़ार जाओ, ये ग्रीन और वाइट पेंट ले जाओ, ब्रश ले जाओ, वहाँ पे एक फलानी दुकान है उसके बोर्ड पे हमने झंडा जो बनाया है ना उस पे चांद तारा उल्टा हो गया, तो उसको सीधा करके आ जाओ। मैंने कहा ठीक। मैं गया और 10 मिनट में वापस आ गया, कहने के इतनी जल्दी कैसे किया तुमने। मैं कहा उस्ताद जी मैंने जाके चांद तारा पहले सीधा बनाया और फिर ग्रीन मैंने लगा दिया तो वो मिट गया पिछला वाला। मुझे कहने लगा ये तुमने उस्ताद वाले काम कहाँ से सीख लिए। मैं कहा सर जी उस्ताद आप हैं, मैं तो आपका शागिर्द हूँ। कहता नहीं ये अलग से समझ होती है, कहता मैंने इसको भेजा होता ना उसकी तरफ इशारा करके, इससे पहले जाना था ग्रीन पे, ग्रीन पेंट करना था पूरे को मिटाना था, फिर वहां 1.5 घंटा बैठे रहना था ये पेंट सूखे, फिर इसने व्हाइट पेंट करना था। हाँ, NCA में ऐसे हुआ कि जो हमारे टीचर्स हैं ख़ासतौर पर सलीमा हाशमी का बड़ा जिक्र ज़रूरी है, खालिद इकबाल, सभी मतलब कमाल के लोग। जब मैं NCA में एंटर हुआ ना, पहला दिन बहुत दिलचस्प था, बल्कि पहले एक महीना बहुत दिलचस्प था। कोयटा जैसी जगह से आए, झिझक छोटा शहर, आर्ट का कुछ जिक्र नहीं, उस्तादी शागिर्दी में थोड़ा बहुत सीख लिया। उस ज़माने में NCA हमारा तकरीबन इंटरनेशनल स्टूडेंट बहुत थे, श्रीलंका के, जॉर्डन के, सऊदीया के, लेबनान के। तो जब जाके पहला दिन हमारा ड्राइंग का था सलीमा हाशमी, अब बैठे हुए हैं ड्राइंग बोर्ड पे, पेपर लगा के चिपके और पेंसिलें रखी हुई और हाथ कांप रहे कि यार इतने बड़े बड़े पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आए हुए हैं और इन्होंने टेस्ट दिए हुए हैं यार NCA में एडमिशन के लिए, और हमारा तो सीधा सीधे दाखिला हो गया, कोई टेस्ट वेस्ट नहीं था ना उस ज़माने में, सीधे ही तो आता ही नहीं था। मैं 9 साल बाद गया था, 9 साल कोई नहीं आया था क्वेटर से, अब चुप करके झिझक के बैठा हुआ हूँ। तो एक लड़का आया, वो आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में था क्वेटा का, यूसुफ,
मुझे कहने लगा ड्राइंग कर था। मैं कहा बहुत शर्म आ रही है चेचक, आ रही है इतनी शर्मिंदगी होगी यार। कहता उठ, फिर लेके पूरी क्लास को उसने चक्कर दिलवाया जो लोग काम कर रहे थे। तो देखो देखिए ये इससे अच्छी तो मैं कर सकता ये क्या है ये पूरा चक्कर लगाया। मुझ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ गया, मैं कहा मकबूल मैं शुरू हो जाऊँ ड्राइंग कर। ड्राइंग कर गया सलीमा आशमी आई उससे पहले हमने, वो गलती में सब ड्राइंग लग जाती थी। उन्होंने बताना शुरू कर दिया ये क्या है, पेपर कंपोज नहीं हुआ, ये इसमें शेप नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, ये करते करते हमारी बारी आ गई। मेरी ड्राइंग वो मार्किंग भी साथ साथ किए जा रही है C B C B। बस मेरी ड्राइंग पे आई यार, उन्होंने कहा कि ऐसी होती है ड्राइंग, ये देखो समझो इसको तुम लोग, ये भी तो स्टूडेंट है, A+ लिख के चली गई। तो खुश हो गए कि भाई ये तो यहाँ पे भी थोड़ी सी इज्जत बनी हुई है। हर दिन फिर यूं ही होने शुरू हुआ, जैसे स्कल्पचर की क्लास सईद साहब तो बड़े सख्त मिजाज, मैडम तलत होती थी हमारी जो सारा कुछ करवाती थी। पहले दिन जी वो एक बोतल बनाए, बोतल ने हमारी जान नहीं छोड़ी एक साल बोतल ही ड्राइंग हो रही है स्टिल लाइफ ये वो। तो स्कल्पचर में भी जी ये बोतल बनाए। अब वो बनाए लड़के लड़कियाँ सईद साहब आए यूँ चेक करें मुक्का मारें तोड़ें और चले जाएं। मेरे पास आए चेक किया नहीं तोड़ा, शुक्र 90% उन्होंने बोतलें तोड़ दी थी पूरी क्लास की, 10% लोग बचे हुए उसमें से एक मैं भी था। तो बड़ा कॉन्फिडेंस आया और चलो शुक्र है। तो यूं वो जो पहला एक महीना ही कह लो कि फिर डिज़ाइन में फिर इसमें सारे आर्किटेक्चर भी हमें पढ़ाया जाता था, तो वो ड्राफ्टिंग उसमें मेरा दिल नहीं लगता था। तो यूँ बड़ा दिलचस्प था वो सारा कुछ। तो वो जो फर्स्ट ईयर में फिर जब पोजीशन आ गई अपनी तो और मज़ा खुशी। अब ऐसा ऐसा कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है और यूँ समझ ले कि सेकंड ईयर में आके थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। जब मैं सेकंड ईयर में आया हूँ तो खालिद इकबाल पहली क्लास, मैं कोयटा से लेट आया था, मैंने ज्वाइन नहीं कुछ 4 दिन बाद किया था, छुट्टियाँ कर ली थी। आया तो ड्राइंग फुल फिगर सामने रखा हुआ, उसको बनाना शुरू किया। मैंने ड्राइंग की तो कुछ खालिद इकबाल की आदत थी हर आधे घंटे घंटे बाद वो ज़रूर चक्कर लगा देते। वो आए अब कहने लगे कि मैंने पहली दफ़ा सलाम दो। मुझे क्या पता था कि मेरी क्लास में ऐसे ऐसे टैलेंटेड लड़के भी आएंगे। हम और फूल गए, खालिद इकबाल ने तारीफ कर दी। साल गुजर गए, 1.5 साल गुजर गए। एक दिन उन्होंने मॉडल बिठाया क्लास को, कहा कि आपने ऐसे ड्राइंग कर दी। मेरी भी समझ में ना आए, बाकी क्लास को भी समझ में कि खालिद साहब कहना क्या चाह रहे हैं। कभी जहाँ जहाँ शेड है पहले एक शेड लगा दो, हाईलाइट सारी छोड़ो, फिर दूसरी लेयर, फिर यूं करना है आपने। अब वो कन्फ्यूज हम कर ली और सबसे अच्छा मैंने ही कर लिया समझ के उनको। वो ड्राइंग में साथ ही ब्राउन पेपर पे थी, वो लेके तो मैंने हॉस्टल में अपनी अलमारी पे लगा दी। अपने रूममेट को रात शाम को मैंने कहा, मैं कह यार मैं 3rd ईयर में आ गया हूँ, मुझे तो आज पता चला मुझे तो ड्राइंग ही नहीं आती, तो मैं अभी फूले फिर रहा था ये है असल तरीके ड्राइंग करने का यार, मैं तो पता ही नहीं था। वो बारे में हवा भरी हुई थी सारी निकल गई। मैं तो भाई ये तो बड़ा दूर का मामला है, होता है ना बचपना, मैं ये तो नहीं आता, ये तो कहानी ही बदल गई सारी की सारी, मजीद बदल गई, इतनी बदल गई कि मैंने NCA छोड़ दिया। कि मैंने अच्छा हाँ, मैंने कहा मैं नहीं पढ़ना, मैं नहीं कर सकता, मुझे नहीं आता। वो हुआ क्या, अच्छा मैं उल्टी सीधी हरकतें करता था, तो मॉडल बिठाया फुल फिगर पेंटिंग कर दी, 3 फुट 4 फुट का मैंने कैनवस लगाया, और हमारे स्टूडियो की छतें बहुत ऊंची हैं,
वो ईजल को मैक्सिमम ऊपर कर दिया, नीचे भी चीजें करके, तो वो सीढ़ी लगा के तो मैं टॉपिश एंगल से उसको, मैंने कहा मैं इस एंगल से इसको पेंट करूँ, ठीक, ब्रश से ही वो हल्का सा स्केच सा करते हैं कि भाई बाकी कोई ड्राइंग तो नहीं करते होते। मैंने वो भी किया, ये तो कॉलिन डेविड आ गए, आई मैन यू आर कंपोज्ड वेरी वेल, मैंने कर लिया भाई, तारीफ हो गई कि कंपोजिशन बहुत अच्छी है। खालिद इकबाल है, अरे बड़ी अच्छी कंपोजिशन निकाल ली, बहुत प्यार से पेंट कर रहा, देखा ठीक है सर, शुरू हो गया। एक दिन गुजर गया, दूसरा दिन हुआ ना, तो कॉलिन डेविड आया, माँ मेक द शेडो स्कूल, इतना कह के चले गए, मेक द शेडो स्कूल, मैं इसको क्या बर्फ में रखूँ, ठंडा कैसे करूँ भाई शेडो को, मेरे को कुछ समझ ना आया, मैं कहीं गड़बड़ हो गई। खालिद इकबाल है, अरे ये पैलेट दिखाऊँ, कलर कौन कौन से, चार ट्यूबें निकाली, कहते ये ज़िंदगी में इस्तेमाल नहीं करना, बाहर निकाल लो, बंड से आना, ओकर, रॉ से आना, अर्थ कलर जितने भी, अंबर शंबर और रियार से आना, मिला दो ही, कहते निकालो, ठीक है, अच्छा। हमने उठा के बाहर फेंक दिया, आज तक इस्तेमाल नहीं किया, नहीं भाई, फिर वो पेंटिंग संभले ही ना, वो काला सा हमारा मॉडल था, उसकी ब्राउन सी स्किन, अब रॉ से आना, बंट अंबर लग रहा है भाई, जब एक खड़क करके, नहीं वो कह रहे नहीं, तीसरा दिन चौथा दिन लड़ लड़ के पेंटिंग के साथ मैं नीचे उतरा, लॉकर हमें मिले हुए होते थे, लेकिन मेरे पास एक छोटा सा कमरा था जो लॉकर का, मुझे मेरे सीनियर थे अनवर सईद, उनके पास था, तो वो क्वालिफाई करके जब गए तो मुझे चाबी दे गए, दोस्ती थी उनके साथ अभी तक है। एनीवे मैं गया, सामान पैक किया, थैले में डाल रहा हूँ कि बस ठीक है, पेंटिंग नहीं होती अपने से, नहीं आती है। सलीमा आशमी कहती है पेंट नहीं कर रहे, क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, मैं सलीम मैं जा रहा हूँ, कहते कहाँ जा रहा हूँ, बैठा क्यों, मैं कहा मैडम आर्ट नहीं आता मुझे, मुझे नहीं होगा, ये बहुत मुश्किल है। कहती है सबसे टैलेंटेड और सबसे अच्छा स्टूडेंट ये बात कहेगा, इधर डांट के बोलूँगा, रखो इसको वापस, अपने ऑफिस ले। उन्होंने मुझे चाय मंगा ली, दूध दिया, एक घंटे का लेक्चर दिया, बहुत प्यार मोहब्बत से समझाया कि मेहनत करो, सोचो, कोई मसला नहीं है, छोड़ दो ये मत करो काम, जाओ छुट्टी करो, किसी खूबसूरत सी अपनी क्लास वाले है भी तेरी क्या, कोई नहीं, मैं कोई नहीं है, कहते उसके साथ जाके ना चाय वाय पी कैंटीन में, मेरी कोई दोस्त नहीं, कहते अच्छा लाइब्रेरी जाओ, वहाँ किताबें पढ़ो, पेंटिंग देखो और अपने आप को कूल करो, छोड़ दे प्रॉब्लम, ये पेंटिंग दफ़ा करो, नहीं बनाना, ठीक है। मैं जैसा उन्होंने कहा था किम्स पे गया, चाय पी, फिर लॉरेंस गार्डन चला गया, लाइब्रेरी चला गया, ये दो दिन बाद, एक दो दिन बाद छुट्टी थी, तो हमारे एनसीए के हॉस्टल में हर फ्लोर पे ना उस वक्त बने हुए थे स्टूडियोज, जो अभी ख़त्म कर दिए हैं, मैं अगले दिन गया, मुझे बड़ा दुख हुआ, उनमें भी कमरे बना दिए उन्होंने। एक लड़का कोयटा से आया हुआ था, उसका नाम था शहजाद, वो मेरे पीछे पड़ा रहता था, हमारा पोर्ट्रेट तो बना दे, मेरा पोर्ट्रेट तो बना दे, मैं पोर्ट्रेट बड़े अच्छे बना लेता था, पाँच पाँच मिनट में, दस दस मिनट में, पेन एंड इंक में, ये वो, मेरे पास एक कैनवस पड़ा हुआ था अनस्ट्रेच्ड, स्ट्रेच भी नहीं हुआ हुआ था, प्रिपेयर्ड कैनवस खुला, मैंने ड्राइंग बोर्ड पे लगाया, उसको बुलाया, मैंने कहा तेरा पोर्ट्रेट कर दो, वो आ गया खुशी खुशी। मैंने उसको बिठाया, खिड़की की लाइट वाइट सेट की, मैंने कही ठीक है, मैं इसको बेवकूफ़ बना रहा है, मैंने कौन सा पोर्ट्रेट बनाना है, मैंने तो सिर्फ इसके कलर स्टडी करना है, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है उसको पोर्ट्रेट बनाऊँगा, मुझे तो कलर का मसला बन गया था। मैंने पूरी कंसंट्रेशन ना से उसे सिर्फ कलर्स की स्टडी शुरू कर दी, ये कूल है, ये वॉर्म है, ये मैंने पैचेस लगाने शुरू कर दिए, बस कोई डिटेल, कोई मिक्सिंग, कोई कुछ नहीं, मैंने आधा पौना घंटा लगाया, मैंने उसका फेस मुकम्मल कर दिया,
कपड़ों पे ऐसे पैचे बैकग्राउंड करके, मैं कहा जा हो गया। वो आया उसने देखा तो फड़क उठा, कहते ये तो बहुत ज़बरदस्त मेरा है। मैं कह दूंगा मैं उस साथ को दिखा लेने के। खैर वो तो उसकी वो ड्राइंग थोड़ी अच्छी हो तो आ ही जाती है, रिजेंबलेंस भी और सारा कुछ वो आ गया। अब मुझे नींद ना आया कि दिन चढ़े तो मैं उस्ताद को दिखाऊं। खैर दूसरे दिन मैंने वो पकड़ा कैनवस और जाके ना तो खल साहब के कमरे में, और डेविड भी बैठे हुए थे, आसिफ साहब भी बैठे हुए थे, अपना इकबाल हुसैन भी बैठे हुए थे, बैठे हुए भी सुबह सुबह कप शप चाय शाय चल रहे। मैंने कैनवस पकड़ा हुआ यूँ कर गया, वो जो रिजल्ट नहीं लेना होता जैसे, मैं कहा सर मैंने ये पेंटिंग बनाई है ऐसे दरवाजे में, जाओ इसको फ्रेम करके लाओ। फटाफट वुड वर्कशॉप में गया, एक स्ट्रेचर बनाया, उस पर मैंने उसको रखने लगा। मैं कहीं यार कैसे रखूँ, इतनी स्पेस इधर ठीक है कि इतनी ठीक है, फेस को कहाँ रखूँ। मैं अच्छा उन्होंने कहा कंपोज करके ला। ओ समझ आ गई। मैंने खैर उसको अपनी तरफ से कुछ कर कुर के कंपोज हो, फिर भागा भागा गया। मैं कहा सारा देख लिया, कहते बस एक बात का जवाब। मैं कहा सर ये कलर देख के लगाए या वैसे लगाए। मैंने कहा सर देख के लगाए हैं, वैसे लगाने होते तो आप मैं वैसे ना लगा देता। कहते अच्छा जा तू वाटर स्पेन दे। अरे भाई हम तो हवाओं में उड़ रहे थे उस दिन, पंख लग गए पता नहीं सातवें आसमान तक उड़ जाएंगे। कहने का मतलब है कि ऊंच नीच एनसीए में भी देखी, कभी गुब्बारे में हवा भर गई या कभी सारी ही निकल गई, यहाँ तक के छोड़ देने पे तैयार हो गए कि नहीं होता भाई अपने आप से। फिर ये कि वो स्कल्पचर मेरा बेहतर था, पेंटिंग से भी अच्छा था, ड्राइंग से भी अच्छा था, मैंने बनाया भी था, वो डिस्प्ले भी हुआ ही वो। लेकिन चूंकि मुझे आसान लगता था और पेंटिंग मुझे मुश्किल लगती थी, इसके कलर्स मुझे मुश्किल लगते। मैंने फिर अगले कुछ 6 महीने एनसीए की और लाइब्रेरी, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब, जो जहाँ किताब मिलती थी सिर्फ और सिर्फ जाकर ढूंढता था कलर्स। उस पर मैंने रिसर्च शुरू की, पढ़ पढ़ के दिमाग ख़राब हो जाना। कुछ चीज़ें थी, एक वो इलस्ट्रेशन थी, मुझे कई दिन लग गए उसको समझने में कि ये क्या कह रहा है। वो उसको मैंने बार बार, फिर मैंने उसकी प्रैक्टिस करी कि वो कहते हैं कि जनाब ये 3 कलर हैं, आगे कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं। अब तो मैं बड़ी आसानी से समझा देता हूँ बच्चों को, मुझे वो किताब से समझ नहीं आ रहे थे। है फिर वो येलो मैजेंटा सियान है, फिर आगे उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर हैं, इनको मिक्स करो तो ये होता है, सारे बीच की लाइन एक ही कलर बन जाते हैं चाहे जो मर्ज़ी करो, ये मेरे ना दिमाग में आए ना। उसको सीखा, फिर मैंने प्रैक्टिस किया, पोस्टर कलर से किया, फिर ऑयल कलर से किया, फिर मैंने पेंट करने के लिए ना बस 3 ही रंग रख लेने। मैं कह जब सारा कुछ हो सकता है तो मैं चौथा रंग क्यों इस्तेमाल करूँ, उसमें मैं खपता रहा। फिर मैंने एक और एक्सपेरिमेंट कर दिया, उससे भी मुझे बड़ा हौसला मिला। वही काला मॉडल हमारे सामने बैठा हुआ, नहीं इसके रंग ही नहीं पेंट करता, चल अब मैं नया पंगा ले लिया। मैंने सारे को न्यूट्रल कलर में बना दिया, बिल्कुल ही लाइट करके, समझे वाइट पेंट है, सिर्फ ये कूल है ये वार्म है, ये कूल है ये वार्म है, ये कूल है वार्म है, इससे उसकी पूरी शेप और वो सारा कुछ करके। मैं कह फेल होना तो हो जाए, लेकिन मैंने एक्सपेरिमेंट कर डाला क्योंकि रंगों का ही मसला था। मैं कह इसी से सारे एक्सपेरिमेंट करो। सारे टीचर ज्यूरी होती थी हमारी, उस पर इतनी लैदे हुई, और कॉलिन डेविड ने एंड में कह दिया कि भाई ये तुमने कमाल कर दिया, और कहीं कहीं थोड़ा सा डार्क रंग भी कभी इस्तेमाल कर लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये जो सोच है ये सारा भी बहुत अच्छा है, इट्स ट्रू इम्प्रेशनिस्ट थ्योरी। वो जनाब खालिद बाल ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया, सारा कुछ हो गया। तजर्बा कर लो यार, कुछ नहीं होता, कोई कयामत नहीं आने वाली। ये कूल वॉर्म को ही समझने में मैंने को खोपड़ा उड़ गया। मैं कभी डेमो दे दूँगा कि ये कलर है और इसके साथ डार्क कलर है, डार्क को डार्क नहीं करना, उसकी इंटेंसिटी तोड़ देनी है बस, किसी भी कलर में उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो है वो थोड़ा सा टच लगाना है, उसकी इंटेंसिटी टूट जाएगी, वो शेडो में चला जाएगा, बजाय इसके कि डार्कनेस लगाई जाए।
इस पे फिर तजुर्बा करते 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 उसको फिर जिसको कहते हैं प्रैक्टिस करते करते लैंडस्केप में बड़ी दिलचस्पी खालिद साहब की वजह से हो गई। फिर जिस दिन हम लैंडस्केप करने गए ना पहली दफ़ा, मुझे बड़ा मुश्किल लगा। मैंने कहा यार ये तो कुछ अजीब ही काम हो गया। अच्छा फोटोग्राफ से करना तो कोई चीज़ नहीं है, स्पॉट पे खड़े हो शुरू हो गए। दूसरा तीसरा लैंडस्केप खालिद साहब आए, कमाल ही टीचर थे। मैंने वो अब थोड़ा थोड़ा पकड़ में आने लगा लैंडस्केप। मुझे कहने लगे कि ये तुमने बड़ी चलाकी की है। मैंने कहा सर मैंने क्या चलाकी की है। कहते फोरग्राउंड में तुमने कच्ची जमीन रख ली है ताकि वार्म रहे और डेप्थ क्रिएट हो जाए। मैं कह उन्होंने पकड़ लिया। कहते इसलिए तुमने फोरग्राउंड में कच्ची जमीन रख ली है। मैं कहा हाँ सर फिर एकदम डेप्थ क्रिएट हो जाएगी। कहते ऐसे नहीं करते होते, चलो फिर भी ठीक है। लेकिन स्काई जो ना तुमने ये नीचे से शुरू करके यूँ पेंट किया है, ऊपर कहाँ से ख़त्म हुआ है। मैं मुझे समझ नहीं आ रही कहाँ तक जाएगा। कहता आप ऊपर से नीचे पेंट करो दोबारा। कुछ अजीब सी लगी कि अच्छा मुझे मार्क करना है हवा में कि स्काई मेरा यहाँ तक है। और स्काई ही बड़ा इम्पोर्टेंट है लैंडस्केप पेंटिंग। वो खैर हो गया। अब मैं लैंडस्केप शुरू कर दी जो होती थी क्लास में। अब फाइनल ईयर में आ चुके थे, थ्योरी हमने हड़तालें करके ख़त्म करवा दी थी कि भी हमने पढ़ना नहीं है। हमने स्ट्राइक्स कर दी क्योंकि जी हमसे ही किताबें नहीं पढ़ी जाती, हमसे काम करवाओ, ख़त्म कर दिया। अब पता नहीं है या नहीं, आई डोंट नो, लेकिन हमने थ्योरी ख़त्म करवा दी थी। थीसिस लैंडस्केप पे कर रहा हूँ। एक दिन NCA के हमारा डिज़ाइन डिपार्टमेंट है, वहाँ सेकंड फ्लोर पे मैं गया, एक दोस्त था उसे मिलने के लिए काम था मुझे से। उसने कहा 5 मिनट ठहर चलते हैं। ठीक ठीक। बाहर बालकोनी थी 7-8 फुट की लंबी सी, मैं उस पर आके खड़ा हो गया रेलिंग पे और ऐसे सिगरेट लगा लिया बैठा। पलट के देखा यार पता नहीं कितनी देर में फारिग हो रहा है। वो एक माइक्रो सेकंड में फैसला हुआ कि ये मेरी थीसिस पेंटिंग है। ज़्यादा देर तो लगाई नहीं, यूँ मैंने पलट के देखा जैसे ये शीशा लगा जिसमें हम दोनों भी नज़र आ रहे हैं, ये पीछे वाली खिड़की भी नज़र आ रही है, वो पेंटिंग भी, वो सीढ़ी भी, ये भी, वो अजीब मंजर भाई। पीछे स्टूडियो वो लड़के काम कर रहे हैं ड्राफ्टिंग टेबल पे, मेरा अपना रिफ्लेक्शन भी आ रहा है और पूरा NCA और म्यूजियम की डोम उसमें रिफ्लेक्ट कर रही पूरी विंडो, और बीच में ब्लैक कलर की जो ना वो पट्टियाँ भी वो आ गई और चुप कर दो मेरी थीसिस पेंटिंग हो गई, यही पेंट करूँगा। भागा भागा गया, जहूर साहब मिल गए, मैंने सब्जेक्ट चूज कर लिया थीसिस पेंटिंग का, तो एक नज़र देख ले। आ गए सेकंड फ्लोर चढ़े ऊपर, देख के ना ऐसे नहीं कर देते, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चूज किया। मुश्किल बहुत है, पहले इसके फोटोग्राफ करो बहुत सारे। ठीक है सर, उसमें तो कंपोजिशंस ही बदलती रहेंगी। अब सलीमा आशमी के पास गया, मैं तो मैं सर चले सर आप भी देख लो। सलीमा आई, बड़ी माँ की तरह की औरत है यार, लोग उसकी पता नहीं क्यों बुराइयाँ कुछ लोग करते हैं। मुझे कहने लगे बहुत ही, ये तो पेंटिंग है, ये तो कमाल हो गया, ये तुम्हारी आँख थी कि तुमने देख लिया, वरना सैकड़ों लोग हम भी गुजर गए देखते। कि इसको ना तुम पहले छोटे स्केल पे पेंट करके स्टडी करो, ये आइडिया ज़्यादा बेहतर। मैंने 6 फुट 4 फुट का प्रोपोर्शन निकाला, 2 फुट 3 फुट बनता था, यूँ भी आधी यूँ भी आधी, 2 फुट 3 फुट का कैनवस लगाया और मैंने उसको पेंट करना शुरू कर दिया। लाइव लाइव डेली मैं वहाँ 9 बजे जाता था, 9:30-9:45 ख़त्म। मुझे कुछ 2 हफ्ते शायद लग गए, सारे वो लाइट बदल जाती थी। इतने आधे पौने घंटे के लिए मैंने करना स्टडी मैंने बनाई। खालिद इकबाल NCA छोड़ के चले गए थे, तो अल्हमरा में होते थे, तो मैंने 2 पेंटिंग्स की भी थी, एक लैंडस्केप
मैं लेके गया दोनों पेंटिंग्स। ये मेरी थीसिस वाली की स्टडी देख कर हो गया ठीक है। वो जो आसान वो जो लैंडस्केप सीधा किया हुआ था ना, वो देख के कहते हैं रावी भी उतर गए हो यार, उनको देख एक स्पॉट का पता कहते हैं वो जो तुमने सरसों येलो पेंट किया हुआ है दोबारा जाकर पेंट करो। बदमाशी क्या की थी कि ये 2 फुट और ये 2.5 फुट का कैनवस है और स्काई इतना है, ये सारा स्काई है और इतना सा लैंडस्केप है और इतने से लैंडस्केप में इतनी छोटी सी एक पट्टी आधे इंच से भी कम, ये सरसों की जो मेरा सब्जेक्ट है। अच्छा जी, बड़े खुश, चलो थीसिस पेंटिंग का तो मसला हल हो गया। वो मैं गया जाके दोबारा सरसों पेंट की, फिर लेके आया, मुझे कहते हैं उसी टाइम पे गए थे सब, अगर सब नहीं आने पाई से उसी टाइम पे गया था एक दफा और कि उस्ताद को हम तो कुछ कहते ही नहीं थे ना। फिर नहीं गए, मैं जा उसको गौर कर कर के आंखें फट गई, दिमाग ख़राब हो गया कि यार ये येलो कैसे बिठाऊं यहाँ और इसकी जो कलर क्यों नहीं आ रहा। आखिर फिर उन्होंने चाबी हाथ में पकड़ाई के जा ताला खोल ले कहते हैं विरीडियन ग्रीन है तुम्हारे पास मैं कह नहीं सर ठीक दोबारा पेंट कर। उन्होंने ये नहीं कहा कि विरीडियन ग्रीन, सीधा बट के मारो विरीडियन ग्रीन दे ओ भाई विरीडियन ग्रीन लिया सुबह गया यूम गो ठक मैच ओह तेरा कूल ठंडा ऐसे सरसों बैठ गई वहां खेत में। मैं वो लेके आया बस रखी है हाँ ठीक हो गया खाली इकबाल। तो कहने का मतलब सारे ही टीचर्स हमारे एक से एक बढ़ के यार, कंपोजिशन का कॉलिन डेविड, खालिद इकबाल, इतना ज़हूरुल अखलाक, सईद अख्तर। सईद अख्तर फॉर्म पे बहुत तवज्जो थी उनकी, फॉर्म ख़राब ना हो, चूँकि वो कलर ब्लाइंड है तो उनको कलर वाला सीखती नहीं थी जितनी उनको, तो फॉर्म हम उनसे सीखते थे, कलर हम इधर से सीखते थे, कंपोजिशन कॉलिन डेविड को पकड़ते थे, ज़हूर साहब से हम मॉडर्न पेंटिंग को समझने की कोशिश करते थे, और सलीमा तो हमारी अम्मा थी। बस फिर बाद में वो जो एक्सप्लोर करने की तमन्ना ना वो मेरी कभी ख़त्म नहीं हुई। तो कुछ और भी एक्सप्लोर कर लो, ये इतनी दफ़ा कर लिया कुछ और कर लो, तो बस वो जो ट्रांसपेरेंसी मिल गई उसको मैंने रिसर्च कर ली, उसको मैंने मज़ीद एक्सप्लोर कर लिया, जिसका रिजल्ट अभी लेटेस्ट शो में अब वो बिल्कुल ही स्पेस में है चीज़। जहाँ तक इज़म्स का ताल्लुक है ना, मेरी ज़ाती राय यह है कि आप सारा कुछ पढ़ पुढ़ के भूल जाएं और फिर अपने दिल की बात करें, अगर वो किसी इज़म में फिट होती है हो, नहीं होती तो ना हो, ठीक है। मुझे इम्प्रेशनिज़म बहुत मज़े का अच्छा लगता है, मुझे पोस्ट इम्प्रेशनिज़म उससे भी अच्छा लगता है, और कभी कभी मुझे वो क्लासिकल रेम्ब्रांट पता नहीं जान ले जाता है, तो फिर मॉडर्न फिर पोस्ट मॉडर्न, तो ये सारे से ही मुझे दिलचस्पी भी है और मेरे काम में सब की थोड़ी थोड़ी झलक भी होगी, लेकिन मैं किसी इज़्ज़त में फंसा नहीं हूँ। आप दुनिया की बड़ी बड़ी देख लें पेंटिंग्स, मोस्ट सेलिब्रेटेड पेंटिंग्स देख लें, इस वक्त ही हमारे पास 80-90 लाख रुपए की पेंटिंग पड़ी हुई है टेबल पे, इसमें कौन सी कहानी है मुझे बताइए। ठीक है, ये 22 कबूतर कंपोज किए हुए हैं और लाइट सी एक बैकग्राउंड है, तो इसमें कहानी कहाँ है। इसी तरीके से जो मोनालिसा में कहानी कहाँ है, या आप एक काम करें कि इंटरनेट से 100 बड़ी पेंटिंग निकाल लें वर्ल्ड की,
उस पे आप देखेंगे कि किसी किस्म की कोई कहानी तो इसमें कोई भी नहीं है। एक बहुत मशहूर पेंटिंग है, उसको मैं हैरान ही होता रहता हूँ कि वो 100 पेंटिंग में काउंट होती है, वो सिर्फ समंदर की लहरें पेंट की हुई। चलो अब कुछ पेंटिंग्स हैं, डेविड की एक पेंटिंग है, वो लेटर उसने हाथ में पकड़ा हुआ है, बयान वो एक कहानी है जिसने को खत्म। अगर हम सारी कहानियाँ हमें बाद में ना बताई जाए तो पेंटिंग कोई कहानी बयान करता है? कुछ भी नहीं बयान करता, वो तो सिर्फ एक है आदमी बस बाथटब में हाथ में उसके लेटर है, एक कागज़ है, पता नहीं वो लेटर है, ये तो हम खुद से लेटर बना लिया ना, पेंटिंग आपको नहीं बता रही कि लेटर है। असल में हम प्री ऑक्यूपाइड होते हैं बहुत सारी चीज़ों से। आप लैंडस्केप पे खड़े होते हैं जब शुरू शुरू में स्टूडेंट लाइफ में, तो दरख्त को ग्रीन ही पेंट कर देते हैं, वो ग्रीन नहीं है, गौर तो करो ग्रीन नहीं है। वो आसमान को नीला पेंट कर देते हैं, वो आसमान नीला नहीं है, ख़ासतौर पर पंजाब का आसमान तो बिल्कुल भी नीला नहीं है, वो ग्रे कलर का है। तो हम पहले से ही कुछ चीज़ें समझ लेते हैं ना, इसी तरीके से हम पेंटिंग में कहानियाँ पता नहीं कहाँ से जोड़ देते, कोई कहानी वानी नहीं होती भाई, इसका मतलब चाहिए होता, मतलब चाहिए होता है, जाएँ अफसाना पढ़ें, प्लॉट नॉवेल बिल्कुल ठीक है समझें, उसमें कहानी भी होगी, सारा कुछ होगा। और विजुअल चीज़ों में कहानी, अब जो हॉलीवुड की फिल्में दुनिया पे सबसे बेहतरीन या वेस्ट की जो मानी जाती है, बहुत सारी फिल्में हैं जिसमें कोई कहानी, छोटी सी कहानी, उसको वो एलेबरेट कैसे करते हैं, वो सीन कैसे बनाते हैं जो हमें नहीं आया। हमारी फिल्मों में आपने देखा होगा कि उस कमरे में लगी हो, यहाँ सारी का फिल्म समझ, ड्रामा भी समझ आ रहा है, विजुअल है ही नहीं। तो उन्होंने तो विजुअल आर्ट को समझा और उसको उस तरह से, मेरी बात से कन्वे हो गई कि इसमें कहानी वहानी नहीं भाई। कंटेम्प्रेरी आर्ट जैसे अनीश कपूर का नाम है, ठीक है वो कहानियाँ नहीं सुनाता, विजुअली बड़ी स्ट्रॉन्ग उसके एलिमेंट्स हैं, लेकिन इससे मैं एग्री नहीं करता कि आप एक पेंटिंग बनाएं और उस पर 20 सफ़े की कहानी लिख दें, इससे मैंने कभी एग्री नहीं किया। लोगों को अगर करते हैं उनकी मर्जी, मेरा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है कि पेंटिंग में भाई कहानी नहीं होती। मतलब अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप पेंटिंग में दिखाना क्या चाहते हैं तो आप उसे नहीं बताएंगे? अब मतलब मैं बताऊंगा नहीं, मजबूरन बताऊंगा, बोलेंगे ट्रांसपेरेंसी को यार मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की भी, अगर आपको समझ आती है आप इन्जॉय कर सकते हो ठीक है, नहीं तो आपकी मर्जी। और अगर वो जो आपकी फिगरेटिव पेंटिंग्स है औरत वाली, उनके पीछे भी कोई कॉन्सेप्ट? देखिए कोई कहानी नहीं, औरत एक खूबसूरत चीज़ है मेरे लिए, ब्यूटी है, उसकी जो लाइन्स हैं, मैं वो क्रिस्टल और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन्स को तोड़ने के लिए, मैंने कहा यार इतनी स्ट्रेट लाइन, इतनी ज्योमेट्री है और ये वो ना, तो कुछ थोड़ी सी म्यूजिकल लाइन को, कभी मैंने सोचा फूल बना दूँ, कभी सोचा दरख्त बना दूँ, मैं वो तो फिर वही मेरा लैंडस्केप। तो मैंने कहा यार फिक्र तो तुमने कभी पेंट, अरे मैंने कभी पेंट ही नहीं किया, थीसिस भी मेरा लैंडस्केप पे। तो फिर मैंने फिक्र, मैंने कहा चलो फिक्र ना फीमेल फिक्र ठीक है, वो मैंने अपनी पेंटिंग में उसको मर्ज करना शुरू किया, क्योंकि शुरू में मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि मेरी स्टडी नहीं थी। फिर मैंने दोबारा से स्टडी स्टार्ट की फीमेल फिगर की, प्रोपोर्शन ये बार बार देख के उसको नाप तोल सब कुछ करके, फिर मैंने उसके अपने प्रोपोर्शन निकाल लिए जो मुझे अच्छे लगते हैं। मैंने कहा नहीं ये यूरोपियन मुझे नहीं चाहिए, तो मेरी मॉडर्न फिगरेटिव पेंटिंग होने के बावजूद में औरत को देख के लगता यही है कि ये हमारे यहाँ की है, ये अंग्रेज औरत नहीं है। बल्कि एक गोरा था अमेरिका का, उसने मुझसे कहा भी कहना कि ये तुम्हारे प्रोपोर्शंस, मैंने कहा ये तुम्हें जिसकी आदत पड़ी हुई है देखने की, ये वो प्रोपोर्शन नहीं है, ये हमारे प्रोपोर्शंस ये अलग है, और तुम स्टडी करना तुम्हें पता चल जाएगा। एक तो हमारे जो विजुअल आर्ट है ये रहा है क्राफ्ट की हद तक, अंग्रेज़ भी जब यहाँ आया है और उसने मॉडर्न चीज़ें यहाँ पे करने की कोशिश की, तो उसने मेयो स्कूल ऑफ क्राफ्ट बनाया था इन सीर, अच्छा जे जे स्कूल ऑफ भी आर्ट एंड क्राफ्ट था, वो समझते थे कि हमारा मिनिएचर पेंटिंग जो ट्रेडिशनल है ये क्राफ्ट है, ये आर्ट नहीं है, तो इनको क्राफ्ट ही सिखाओ। फिर आर्ट में जब तक आर्टिस्ट के इमोशंस शामिल नहीं है
अब अजंता अलोरा या गंधारा हम देखते हैं, हमें नहीं पता चलता कि यार ये एक आर्टिस्ट का काम है या दूसरे का है, वो सैकड़ों आर्टिस्टों ने काम किया एक से ही करते। मिनिएचर पेंटिंग है बस वो एक सी है, उसमें पर्सनल टच काम गया, इसको हम मिस कर गए। ठीक है, जब तक पर्सनल टच नहीं होगा, और ये सिर्फ क्राफ्ट की हद तक करने का काम नहीं होता, हमारे जो क्राफ्ट्समैन हैं आप उनके पास चाहिए, ये सोफ़ा बनाएगा, कार्विंग करेगा, उसकी हिस्ट्री पूछें, इसके पीछे फ़लसफ़ा पूछें, तो क्यों करता है, ये वाला मोटिव कर रहा है, मतलब है ये, वो कहेगा मुझे क्या पता यार। ठीक है, इसी तरीके से जब आप पेंटिंग कर रहे हैं तो आपको अपना आप एक्सप्लोर करना है, फिर दूसरे इसका जो साइंटिफिक नॉलेज है जो हम मिस करते हैं। ठीक है, हमारे मास्टर्स की पेंटिंग ख़राब हो रही है, वजह क्या है, उसका प्राइमरी नीचे ठीक नहीं लगा, सरफेस को हमने समझा नहीं कि अगर हमें इतना थिक पेंट लगाना है तो ये फ्लेक्सिबल कैनवस पे नहीं बनना चाहिए था, क्यों कि वो ये तो ऐसे ऐसे झूलता है तो ये ब्रिटल हो गया तो टूट जाएगा। इन चीज़ों में हमारी तवज्जो नहीं रही, जो कि वेस्ट में अगर आप देखते हैं तो मोनालिजा वुडन पैनल पे बनी हुई है, 500 साल हो गए उसको कुछ नहीं बोला। बस ये हमारी कुछ इस तरफ तवज्जो कुछ आर्टिस्टों को भी नहीं रही, इसमें हमारी भी गलती है आर्टिस्ट, थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, गौर करना चाहिए। एक तो आप नेचर को कॉपी नहीं कर सकते, ये आपकी गलत फहमी है कि आप नेचर को कॉपी कर सकते। ठीक है, दस स्टूडेंट लेवल के बेशक उनके पास स्किल की कमी भी हो, जब आप नेचर पे खड़े हो के लैंडस्केप भी करते हैं या स्टिल लाइफ भी करते हैं, सबका अलग अलग होता है। स्टडी के दौरान हमें जैसा है वैसे ही बनाना होता है, उसके बावजूद अलग कैसे हो जाता है, क्यों को वो हर आर्टिस्ट की लाइन अलग है, उसकी फोर्स अलग है, वो सोच पता नहीं कैसा रहा था उस वक्त, वो अलग है, उसको क्या चीज़ में दिलचस्पी है, वो ये स्टिल लाइफ है, वो कपड़े के ऊपर एक को उसकी जो लाइट पड़ रही है उसको ज़्यादा वो अच्छी लग रही है, दूसरे को बोतल जो है उसके ऊपर जो रिफ्लेक्शन है वो उसको ज़्यादा तवज्जो कर देगा। हम कॉपी इसको एज सच नहीं कह सकते, हाँ बिल्कुल फोटोग्राफिक जो काम होता है वो हम कह सकते हैं कॉपी, और उसको कमर्शियल एंगल है शायद, आर्टिस्टिक एंगल नहीं होता, वो लोग कमर्शियली कर रहे हैं। लेकिन जैसे हाइपर रियलिज्म में काम हुआ शकील सिद्दीकी ने किया या अकरम स्पाल ने, हाँ, आजकल जमशेद खान करता तो है। उसमें कहीं ना कहीं तो आर्टिस्ट मौजूद होता है ना, वो अपने सिलेक्शन में सब्जेक्ट के सिलेक्शन। देखें शकील सिद्दीकी को देख ले, अकरम स्पाल को देख ले, फिर भी फर्क नजर आता है, फिर भी नजर आता है। अलबत्ता उसका जो अब इस 2020 में जो चीजें हो गई हैं उससे वो डैमेज हो रहा है कि लोग अब बजाय इसके कि वो पेंट करें वो उसको बहुत अच्छी तस्वीर खींच लेता है, स्टिल लाइफ रखी, अच्छी सी लाइट की, आप अच्छे फोटोग्राफर भी हैं और आपने उसकी तस्वीर खींची, कैनवस पे उसको किया प्रिंट और ऊपर रंग लगा दिया, इमोशंस आपके सारे और वो सारा कुछ अच्छा, वो उस काम में दिखता भी है कि ये बिल्कुल स्टैटिक है, इसमें कोई वो नहीं है, ये फोटोग्राफिक चीज़ है कोई, उसको कह सकते हैं कि ये कॉपी बकवास है। देखिए जी, इसके जो साइंटिफिक पहलू हैं वो तो लियोनार्डो डा विंची ने भी कहा है ना कि आप अगर आर्टिस्ट हैं तो आपको साइंस भी पता होनी चाहिए, और साइंसदान है तो आपको आर्ट भी पता होना चाहिए, इनको अलग अलग प्लीज मत करो। मिसाल के तौर पे ये एक साइंटिफिक नॉलेज है और एक्सप्लोर किया गया है कि गोल्डन रेशियो क्या चीज़ है, ये साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल डिस्कवरी थी कि रेक्टेंगल जो है उसका प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए, अगर जैसे 4x6 है या थोड़ी सी स्क्वायरिश लग रही है, 4x8 यार ये कुछ ज़्यादा लंबी लग रही है, तो गोल्डन रेशियो पे रिसर्च करके एक ख़ास रेशियो निकाला गया, उसको गोल्डन रेशियो कहते हैं। अब ये अप्रोच आपको पता हो
कि मैं मुझे गोल्डन रेशियो का पता है, और आप अपने कैनवस को गोल्डन रेशियो पे रखते हैं, जैसे मोनालिजा गोल्डन रेशियो, ठीक। अब बोलोगे यार मैं तो आर्टिस्ट हूँ, मुझे इन सारी चीज़ों से क्या ताल्लुक वास्ता, ना रखें वास्ता। वो 500 साल से उस थक ही नहीं रही पेंटिंग, दुनिया भर की मशहूर तरीन पेंटिंग हद गुजर गई है, तो उसके पीछे कितनी बड़ी साइंटिफिक अप्रोच थी, कितनी बड़ी साइंटिफिक अप्रोच थी कि पेंटिंग कैनवस पे ख़राब हो जाएगी 200 साल बाद। वुडन पैनल पे पता नहीं कैसे प्रिपेयर किया गया, कौन सी लकड़ी इस्तेमाल की, कौन से जॉइंट्स लगाए, वो आज तक जिंदा है, ठीक है। आप नॉन साइंटिफिक हो जाएं, कैनवस आप बाज़ार से लाए, प्राइमर उसका दूसरी तरफ में निकल गया और आप उसमें पेंट कर दें, वो 6 महीने भी नहीं गुजरेंगे, 1 साल भी नहीं गुजरेगा, पेंटिंग ख़राब होनी शुरू हो जाएगी। तो ये साइंस तो थोड़ी बहुत मालूम होनी चाहिए, आप अपने काम की कदर ही नहीं कर रहे इसका मतलब है, या पेंट्स की क्वालिटी क्या है उसकी कदर ही नहीं कर रहे, खुद को समझ ही नहीं रहे, मटेरियल्स को नहीं समझ रहे। जैसे भी आप मिट्टी के तेल की बात कर रही थी, मिट्टी का तेल तो पेंटर के स्टूडियो में ही नहीं होना चाहिए, कि मैं तो ब्रश भी ना साफ करूँ उससे, तो कहीं थोड़ा बहुत रह ना जाए, क्योंकि ये पेंट का बॉन्ड तोड़ देता, कमज़ोर कर देता है। अच्छा। तो ये सारी साइंटिफिक चीज़ें, और हमें पता होना चाहिए कि एक्रेलिक्स क्या करते हैं, ऑयल्स क्या करते हैं। जैसे एक्रेलिक पेंटिंग आप बना लें, उसको रोल करें, 10 दफ़ा खोलें, कुछ भी करें, उसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्लेक्सीबल है, वो रबर की तरह होता है। ऑयल को करके देखे जरा, साल बाद लोग रोल करके जैसे पेंटिंग भेजते हैं, मेरी अगर पेंटिंग 1 साल से ऊपर हो गई है तो मैं कभी रोल करके मैं उसको फ्लैट 2 हार्डबोर्ड के बीच में रख के फिर मैं कोरियर करता हूँ कि जी ये डैमेज हो जाएगी। तो अब इतने से साइंटिफिक नॉलेज तो आपको होनी चाहिए, आपके काम से मुतालिक है, इतने ही साइंस से दूर हो गए, ऐसा क्या है? ये अर्थ कलर्स हैं जो अम्बर्स, सियांस, रौसियाना, बर्नसियाना, ओकर्स, ये जो है मिट्टी से बनते हैं। तो ये पेंटिंग के लिए कलर्स नहीं बने हुए, ये अंडर पेंटिंग के लिए बने हुए। अच्छा। आप क्लासिकल पेंटिंग देखें, लियोनार्डो की बुक में भी है कुछ इनकम्प्लीट पेंटिंग, तो सियाना सियाना वहाँ पे जगह है, उसकी मिट्टी है जो हम लोग भी जब उस साथ जी से पेंटिंग सीखते थे तो वो पहले येलो ओकर्स रौसियाना में और बर्न टम्बर में पेंटिंग पूरी बना लेते थे, ठीक है। उसको बनाने के बाद उसको वो कहते थे सिंगल हो गई, फिर कलर्स लगाए जाते थे, उसको कहते थे डबल हो गया हमारी जुबान में। तो वो जो अर्थ कलर हैं वो नीचे रह जाते थे, बुनियाद बनाते थे, ठीक है, उसके ऊपर लेयर चढ़ाते जाते। ये ओल्ड मास्टर्स टेक्निक है, जिसकी वजह से चूंकि ये ऊपर लगे हुए कलर्स एक खास टाइम के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं, जब ये ट्रांसपेरेंट होने शुरू होते हैं और टाइम के साथ साथ, तो वो जो पीछे बुनियाद रखी होती है ना, वो उसको फॉर्म भी देती है, ग्लो भी देती है पेंट को, गोल्डन इफेक्ट हमें नज़र आता है क्लासिकल पेंटिंग में। उसकी वजह ये है कि नीचे उन्होंने येलो ओकर्स और इससे अर्थ कलर से पेंट किया। अच्छा, एक्रेलिक में तो ये टेक्निक नहीं है, एक्रेलिक में इतनी लेयर्स नहीं होती है, ठीक है। पाबंदी खैर आर्ट में कोई भी नहीं है, आप अम्बर्स में पेंट कर रहे हैं, हमें क्या एतराज़ है आप ओकर में, लेकिन जो कलर थ्योरी आ चुकी है 125 साल पहले, 150 साल पहले, जो इम्प्रेशनिस्ट हैं, मतलब वो जो ग्लो आपको अगर इम्प्रेशनिस्ट कलर्स वाला चाहिए तो ये अम्बर्स नहीं चलेंगे, अर्थ कलर नहीं चलेंगे, ये कभी इस्तेमाल नहीं। रॉ कैनवस जो है, जो कपड़ा है जिसको हम डक कैनवस कहते हैं, वो कॉटन का हो या लिनन का हो, ये जो हमारे ऑयल कलर्स हैं, एक्रेलिक की बात नहीं कर रहा, ऑयल कलर्स में जो लिनसिड ऑयल और टर्पेंटाइन है, इसमें एसिड होता है, एसिडिक है ये, वो एसिड उस कपड़े को अगर हम डायरेक्ट पेंट कर देंगे तो वो उस कपड़े को खा जाएगा,
दो चार साल में ही खा जाएगा, वो बिल्कुल टूटना फूटना शुरू हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए कैनवस को पेंट करने से पहले एक दो कोट ग्लू साइज किया जाता है ताकि जो पेंट लगे वो कैनवस को ना लगे, उस ग्लू पे लगे, बीच में एक दीवार खड़ी कर दी जाती है। आप जब अच्छी कोटिंग कर देते हैं दो कोट या कभी कभी तीन कोट, उससे क्या होगा कि जब आप इसके ऊपर प्राइमर लगाएंगे तो प्राइमर या इवन आप पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो अब कैनवस को टच नहीं कर रहा और ये जो ऑयल्स का एसिड है वो ग्लू साइज पे ही रह जाएगा, एंटर होके कैनवस को टच नहीं करेगा, जिसकी वजह से वो कैनवस ख़राब नहीं होगा। अब ये जो ग्लू साइजिंग है वो रैबिट स्किन की हो या कोई भी हो, तो मॉडर्न आ गए हैं वो ज़्यादा बेहतर है। कई दफ़ा देखा होगा कि वो आप नया कैनवस बाज़ार से ख़रीदते हैं और प्राइमर उसकी बैक साइड पे निकल गया हुआ, अब वो जो निकल गया इसका मतलब है ग्लू साइज सही नहीं हुआ, सुराखों में से निकल गया, तो प्राइमर में जो एसिड था वो धागे को लग गया, फैब्रिक को लग गया, उसको डैमेज कर गया। और ये आप चंद सालों में देखेंगे वो पेंटिंग डैमेज हो जाएगी, ये है उसकी साइंटिफिक वजह। अगर मैं एक ही पेंटिंग एक घर में देखूं, फिर दूसरे घर में देखूं, फिर तीसरे घर में देखूं और भूल जाऊंगा इनमें से यार कौन सी वाली कौन सी थी, क्योंकि उनमें कोई फ़र्क ही नहीं है, कभी साइज़ का फ़र्क हो जाता है और कोई ख़ास कंपोजिशन में फ़र्क नहीं होता। एक होता है कि यार ये वाली इसकी डिमांड ज़्यादा है, ये चार छः और बना दो। एक होता है कि यार मैंने क्या है ये बनाया है, इसमें ये रेड कुछ इस तरह है और बैकग्राउंड मैंने थोड़ी डार्क नहीं कर दी, इसको इम्प्रूव करना है, बैकग्राउंड थोड़ी लाइट कर देता हूँ, ये रेड थोड़ा कम कर देता हूँ। देखने में आम देखने में वो रेपिटेशन ही होगी, लेकिन अगर आप उसको इम्प्रूव करने के लिए कर रहे हैं, जो हम सारी ज़िंदगी इम्प्रूव ही करते रहते हैं, तो ये रेपिटेशन नहीं कह रहे, वो अच्छी तरह लोगों को पता है क्या रेपिटेशन है और क्या नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि पेंटिंग बिकती है पाकिस्तान, मैंने 84 में क्वालिफाई किया, कभी नहीं सोचा, और एग्जीबिशंस भी पता नहीं, मैं खुशकिस्मत तो हूँ कि 84 में मैंने क्वालिफाई किया, थीसिस की मुझे एग्जीबिशन मिल गई, ऑफर आ गई, अमेरिकन सेंटर वालों ने कहा नहीं ये सारी पेंटिंग हमारे अंदर एग्जीबिट कर। मैंने नहीं, बेचना बचाना क्या है, मुझे तो कभी यकीन ही नहीं था कि कभी मेरी पेंटिंग बिकेगी भी, फिर भी कुछ लोग पता नहीं क्यों ले जाते थे, लेकिन मैं फिर भी यही सोचता था कि इससे पैसे कमाए जा सकते हैं। पहली दफ़ा अलबत्ता जिसको कहते हैं कि अजीब से झटका ही लग गया कि ये क्या हुआ, वो कराची में हुआ, 89 की बात है, 5 साल हो गए थे मुझे एनसीए से निकले हुए। एक मेरा दोस्त आ गया, वही नाम कहीं यार यहाँ एक गैलरी है, तो वहाँ एक ग्रुप शो कर रहे, तो मैंने तुम्हारा नाम दे दिया, मैंने मुझसे पूछ के दिया, कहता नहीं यार तेरे दोस्त भी तो हैं ना, एक मैं हूँ जो माल शाह भी है और वो भी है, मैं कहा चल ठीक शो कर दिया, 8 या 9 पेंटिंग मैंने उसमें रखी, वो पता चला तो उसमें से कुछ 6-7 बिक गई, उसमें मेरी वो थीसिस पेंटिंग भी थी। अच्छा यार वो आपको रखनी चाहिए थी, मेरे पास तो कोई रिकॉर्ड नहीं, वो पेंटिंग वो गई कराची में बदनाम गई, यार वो क्या पेंट किया, वो भाई ऐसी विंडो कैसे होती है, क्या नहीं मिलता कुछ नंबर, वो भी सेल हो। अब जब उसने मुझे गैलरी वाले ने 10 दिन बाद ना वो कुछ पैसे दिए ऐसे करके, कहते कौन सी गैलरी थी, 8 व्यूज गैलरी थी, ख़त्म हो गई। अब ये जो पैसे है मैंने कहा मैं इन पैसों का करूँगा क्या, ये तो मेरे किसी खाते में नहीं, मुझे वो बहुत सारे पैसे थे, मुझे समझ नहीं आ रहा है इनका क्या करूं। अच्छा मैं नीचे उतरा विद नोट जेब में, सामने एक रेडीमेड
कपड़े की दुकान थी, तो उससे मैं कभी कभार कोई एक सूट ले लिया करता था। कपड़ों का मुझे कोई शौक शौक नहीं, मैं कह थोड़ी सी यशी करते हैं इससे ना अच्छा पूरा सूट ले, उससे सबसे महंगा वाला चेयर में लट्ठे का सूट ले लिया, पता नहीं कितने का था। वो पैसे अपने लिए कुछ थे नहीं, बादशाह बने हुए थे। तो ये है कहानी। ये फुल टाइम पेंटिंग पे मैं था नहीं, मैं तो घर पे पेंटिंग करता था, बिक भी जाती थी, घर से भी लोग लेके चले जाते थे, लेकिन मैं उस पर डिपेंड नहीं करता था। मैं कहा गैलरी वालों के तरले अपने से नहीं होते। मैं जब कराची आया था तो मैंने 8-9 महीने नौकरी की थी एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, जिसमें 6 दफ़ा रिज़ाइन किया था। पहले रिज़ाइन तो बहुत ही मज़ा ही आया था, 1 महीना भी नहीं बोला, पहली सैलरी भी नहीं ली थी। बात हो गई, हमारे पास एजेंसी में होते थे बटर पेपर ट्रांसपेरेंट से, वो ड्राइंग कॉपी करने के लिए या डिज़ाइन को ट्रेस करने के लिए, तो मैंने वैसे करके फाड़ा फिर टुकड़ा उसका, पकड़ा पेन लिखा आई कैन नॉट वर्क हियर मकबूल, ले जाके जनरल मैनेजर था गौहर अकील, मैंने कहा भाई ये पकड़ लो, वो समझा पता नहीं क्यों इससे को स्टेशनरी चाहिए, कुछ लिख के लाया कुछ सिग्नेचर, ये क्या लिखा है। मैं कहा मैं नहीं काम करूँ, पर हर 2 महीने पर रिज़ाइन कर देना। और फाइनली मैं उन्हें छोड़ ही दिया, मैंने कहा मेरे से नौकरी नहीं होती भाई, पेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता। एक मैगजीन था स्टार लाइट तायरा वास्ती का, और शकील जो है टी वी वाले ये उसके एडिटर थे। तो एक साहब थे और कहने के यार तुम एडवर्टाइजिंग से बड़े तंग हो, मैगजीन में काम करोगे। हाँ यूँ मैं वहाँ गया हूँ, वहाँ मैंने शुरू कर दिया। वो कह हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं आप एक और डायरेक्टर को देने के लिए। मैंने कहा आप कितने दे सकते हो। मैंने कहा जी मेरी एक शर्त है। उस वक्त तो पेस्टिंग वगैरह होती होगी ना, है ना, मैनुअल काम होता था, सब कुछ मैनुअल कातिब बैठता था हमारे। तो मैंने कहा बस फिर मेरी एक शर्त है, उज़मा आर्केड में ऑफिस था, मैं कहीं इस ऑफिस को मैं अपने ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल करूँगा, मेरे क्लाइंट्स भी आएंगे, मैं डिज़ाइनिंग भी करूँगा, मैं प्रिंटिंग भी करूँगा, मैं सारा कुछ करूँगा। अगर मेरा कोई क्लाइंट आ जाता है, कोई पैसे देने आ जाता है, लेने आ जाता है कोई डिज़ाइन, आपको कोई एतराज़ नहीं होगा। कहता हमें क्या एतराज़ है, आप करें, मेरे पे कौन से आने थे महीने में, कभी कोई आ गया वरना हमने अपनी डिजाइनिंग और ये मतलब आप फ्रीलांस भी काम करते कर लेते मैं थे। हमेशा ही किया था ना, तो मेरा यूँ सिलसिले शुरू हो गए, शर्टन का काम मिल गया, इधर का मिल गया, वो करने हमने शुरू कर दिया, इंटीरियर के काम शुरू कर दिए। तो यूँ 3.5 साल मैंने वो काम किया, फिर मैंने इंटीरियर के बड़े काम किए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए, तय कर लिया कि कश्तियाँ जला दो, फुल टाइम पेंटिंग कर रहे हैं, बस ये 12-13 साल हो गए फुल टाइम। मैं पेंटिंग करने से पहले बहुत सोच के पेंटिंग शुरू करता हूँ, और कभी पेंटिंग शुरू कर देता हूँ बाद में सोच में बैठ जाऊँ। तो मेरे 2 ही तरीके हैं, एक जो क्रिस्टल्स वाली हैं ये मुझे प्लान करनी पड़ती है, और प्लानिंग में भी मेरे 2 दिन तो कम से कम लग जाते हैं, लेआउट्स बनाने में, क्योंकि मैं पहले इसको पेपर पर ड्राइंग करता हूँ, कंपोजिशन समझ नहीं आई उसको करना पड़ता है, इसकी जो लीनियर पर्सपेक्टिव के उसूल हैं उनके हिसाब से वेक्टर ड्राइंग होती है ये, तो उसके बाद उसकी कंपोजिशन कर ली, बड़े से पेपर पे करता हूँ इतनी सी ड्राइंग, उसके वैनिशिंग पॉइंट चूँकि बहुत दूर होते हैं, फिर कैनवस पे उसको ट्रांसफ़र करना, वो भी वो वैनिशिंग पॉइंट्स ले के सारे, फिर उसको सोचना, फिर उसको प्लान करके पेंट करना शुरू। बाकी जहाँ तक ये फिगरेटिव से मैं कैनवस पकड़ता हूँ, पैलेट पे बहुत सारे रंग फैला के नाइफ से मार मूर के छोड़ लगा ले, बाहर जाके टेरेस पे रख के आ जाता हूँ, 2 दिन बाद वो थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो उसको देखता रहता हूँ, उसी में से चीज़ें निकालता रहता हूँ, उसी को देखता रहता हूँ, उसी में से चीज़ें निकालता रहता हूँ। तो वो जो एक फ्रेंकनेस है रंगों की, वो पहले आ जाती है, बाद में मैं उसको थोड़े बहुत फॉर्म में ऐड कर देता हूँ, ट्रांसफॉर्म कर।
वो जो इदारे बैठे हुए हैं वो बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेके, वो उनका एक काम बहुत ही शानदार है जिसको हमें मानना चाहिए कि वो आर्ट को बर्बाद करने के लिए बेहतरीन काम कर रहे हैं। पेंटिंग चोरी करने में, ओरिजिनल पेंटिंग की रेप्लिका बना के रखने में बेहतरीन अंदाज में काम कर रहे हैं, और शायद ही दुनिया में उन जैसा कोई चैम्पियन हो, इतने अच्छे हैं वो। और जिसके नतीजे में मैं नेशनल एग्जीबिशन हो, PNCA हो, कोई भी हो, ना मैं इनको पेंटिंग देता हूँ, ना मैं इनका मेंबर बनता हूँ, या कुछ भी हो तो मैं इन सबसे अलग, मैं ताल्लुक वास्ते हूँ। इनमें सबसे कराची की हद तक, कराची स्कूल ऑफ आर्ट बहुत बेहतर है। NCA भी अपने ज़माने में बहुत अच्छा था, आज वो भी डिटेरियट हो गया है। इंडस वैली तो खैर एक उमराह की जगह है, लाहौर में BNU भी बस फीसें हैं, और ये कुछ है, और भी बहुत सारे इदारे बने हुए हैं। कमर्शियल एंगल बहुत बढ़ गया, जैसे हर चीज़ भी बढ़ गया ना, तो आर्ट की दुनिया में भी बढ़ गया। और हमें तो तकलीफ़ होती है जब मैं कभी NCA जाऊँ या उसके लोगों के मुतालिक बात समझ में आती है कि चीज़ें अब कमर्शलाइज ज़्यादा हो हम्म। जिससे डिटेरिएशन बढ़ती जा रही है, काम का मैार इसीलिए गिरता जा रहा है, पैसों का मैार बढ़ता चला जा रहा है। गैलरीज का किरदार बहुत अच्छा है, मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारी पेंटिंग गैलरी से बिके या ना बिके, हमें गैलरी के थ्रू ही बेचनी चाहिए, वही रखनी चाहिए, उससे आपको एक्सपोजर मिलता है। घर से पेंटिंग बेचना कोई इतना मुश्किल काम आज के दौर में तो बिल्कुल भी नहीं रहा, इंटरनेट के ज़माने में। लेकिन पेंटिंग जो गैलरी से बिकती है वो बड़े इज्जत के साथ बिकती है। एक तो बायर से आप मिलते नहीं हो और मिलना भी नहीं चाहिए, बस ठीक है उसने वहाँ से चाहे ली, खत्म हो गई। वो हमारी ज़रूरियात हैं, वो पैसे हैं, वो हमें मिल ही जाते हैं, तो गैलरी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसको जो समझ ले कि एक हमारी दो पेंटिंग दे दी जो 6 महीने नहीं सेल हुई, लेकिन अगले ने डिस्प्ले पे लगाई, 6 महीने में वो पेंटिंग कितने लोगों ने देखी होगी, दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरी एक ही पेंटिंग एक ही साइज की, मिसाल के तौर पे एक प्राइस, दूसरी पेंटिंग उससे डबल, तीसरी ट्रिपल, आपने शो एक ही में साइज भी एक ही साइज, ये फार्मूला प्राइस मेरे पास नहीं है कि इस साइज कितने पैसे लो, उसमें बड़ी वेरिएशन है। और मेरे पास तो अब तो ज़्यादा ही वेरिएशन है, चार चार गुना का फर्क है। उससे मैंने पहले भी कहा कि हमारा आर्ट कोई इस काम के लिए ना कि मुझे स्पोर्ट्स कार ख़रीदनी है और लग्जरी कार ख़रीदनी है और ये करना है और फला नया वाला मोबाइल ख़रीदना है, हमारी दिलचस्पी तो सारी पेंटिंग में है। ज़्यादा पैसे आ जाएंगे तो ज़्यादा महंगा पेंट खरीद लेंगे, ये अपनी भी अच्छी है, या सीरीज 6 के पेंट्स आए हैं वो ले लेंगे, वो ले लेंगे ना, ये कपड़े तो, ये मोबाइल तो, ये चप्पल तो, ये जूता, इससे हमें क्या, घर बनाया आपने किराए पर। मगर इतने सारे मुसव्विर ने बंगले कोठियां बना ली। बना रहे, सबको पता है कोठियों से आर्टिस्ट नहीं बनते, किसी और चीज से बनते। किसी लेवल पर नहीं, जो मशहूर आर्टिस्ट हैं जो इंटरनेशनली, वो भी कॉपीज कर रहे होते हैं चीज़ें, वो कर रहे होते हैं, कई दफ़ा एक्सप्लोर भी हो जाती हैं कि जी आपने जो बड़ा शानदार आइडिया बनाया है ये तो फलां अंग्रेज़ का जी, आजकल ये वो हो गया हुआ है। और इवन के अंग्रेज़ों में भी ये काम हो रहा है, डेमियन हर्स्ट के ऊपर भी 3 केस चल रहे हैं कि जी ये खोपड़ी तो मेरी थी, मैंने क्रिस्टल लगाए थे, आपने हीरे लगा के बेच डाली, भाई यही फ़र्क है ना, आपके पास पैसे ज़्यादा थे, अदरवाइज तो ये क्रिस्टल वाली खोपड़ी किसी और आर्टिस्ट ने बनाई हुई, उसने केस किया हुआ। एनीवे ये जो कमर्शियल एंगल है ना, ये आर्ट के लिए एक दीमक है,
हम जिन उस्तादों की बातें करते हैं, जिनको हम आइडियलाइज करते हैं, उनकी ज़िंदगी को देखें तो उसमें कमर्शियल एंगल ही कोई नहीं। खालिद इकबाल होंडा 70 पे फिरते थे, जब उम्र ज़्यादा हो गई कि मोटरसाइकिल नहीं चला सकते लैंडस्केप करने के लिए जाते, तो उनके पास सुजुकी एफएक्स थी आखिरी में। आज तो बातें कुछ और हो रही हैं कि मोबाइल आईफोन का कौन सा वाला है, और गाड़ी तो सिविक है तो करोला है तो फलानी है तो नहीं, इसका आर्ट से कोई ताल्लुक नहीं। मेरे नज़र में मैं वो एक तो नहीं, मैं कोई 10 पेंटिंग का प्लान है मेरा कि मैं 10 पेंटिंग ऐसी बनाऊंगा, जल्दी शुरू करूंगा, और 2 साल में बने जब भी, तो एक पूरा पैकेज होगा 10 पेंटिंग्स का, और हो सकता है उसके बाद मैं कभी एग्जिबिट भी ना, कभी एग्जिबिशन ना। मैं एग्जिबिशन के वैसे ख़िलाफ़ हूँ, मजबूरन करनी पड़ती है, कुछ बच्चों को खुश करने के लिए करनी पड़ती है, ये भी मैं उनको खुशी होती ज़्यादा कि एग्जिबिशन या टीवी पे बात हो रही है। जैसे अभी मुझे एक टीवी वालों ने कहा कि मॉर्निंग शो पे आपको आना है, बीवी मेरी कहने लगी बच्चे खुश हो जाएंगे, मैं छोड़ना मेरे करियर ख़राब होता है इससे, मैं इस मोबाइल पर बात कर लूँगा, जिससे बात कर रहा हूँ उसको आर्ट के बारे में मालूम है, मैं वो सोनी सी कुड़ी से क्या बात करूँ। फिर वो बार बार कहेंगे जनाब ये इधर को घूम करें ये करें, फिर कोई आके बाल ठीक करेगा, कोई मेकअप करने की कोशिश करेगा, ये सब कुछ हमने देखा हुआ, तो जो कर सकते हैं कर लें, हम कैसे नहीं। मीडिया मेरा वही ट्रांसपेरेंसी है, उसको मैं आखिरी हद तक लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे समझता हूँ, पता नहीं कि मेरे कोई छोटा मोटा जो भी अचीवमेंट है मेरी वो ट्रांसपेरेंसी है, बस उसी में मैं मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, मज़ीद उससे मैं थकता ही नहीं हूँ कि मेरा दिल करता है यार ये किया था तो इस दफ़ा ये ऐसे करना है, ऐसे है तो ये क्यूब्स को ऐसे घुमाना है, ये ऐसे होना चाहिए स्काई में, और पीछे जो है ना ऐसे ऐसे कलर्स और आने चाहिए, उसमें ये थिकनेस बढ़ानी है, ये कम करनी है, ये यूं करना है, तो इसलिए बस वो है अपने जहन की तमन्ना, अपनी मोनालिजा ट्रांसपेरेंट हो। उसमें जो मेरी खातून है पत्नी मेरी जो है ना, उसका बहुत पॉजिटिव रोल है, मैं समझता हूँ वो खुशकिस्मती है मेरी कि वो मेरी ज़िंदगी में ऐसी खातून जो लिबरल ओपन माइंडेड सेंसिटिव सॉफ्ट स्पोकन ऊंचा बोलती नहीं है, तो वही रिफ्लेक्शन बच्चों में भी। अच्छा आप गुस्सा करते हैं उन पर? गुस्सा मेरा बहुत मज़े का होता कैसे हंसती रहती हूँ, कहेंगे यार सुबह से एक कप तुमने मुझे चाय दिया 9 दफ़ा तो 10वीं दफ़ा दे रही हो या मैं दूसरी भी कर लूँ को कि दूसरी ही कर लो कुछ आके चाय लेके आ जाएगी। 3 बच्चे 2 बेटियाँ 1 बेटा, और माशाल्लाह से तीनों की शादियाँ हो गई हुई हैं, बड़ी बेटी की तो बहुत पहले की थी 2006 में, और बाकी दोनों बच्चों के अभी अप्रैल में मार्च में इसी साल, तो बस हंसी खेल में ही ज़िंदगी गुजर जाती है। अच्छा मुझे ऐसा लगता है आप बड़े ख़तरनाक किस्म के शौहर होंगे। बिल्कुल भी नहीं, बस अच्छा मुझसे ये है कि बीवी में भी मेरी डरती है, बच्चे भी डरते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, सारा कुछ है, बेटा मेरा तो खुल के मुझसे हर चीज़ पे बात भी करता है, बेटियाँ भी कर लेती हैं, लेकिन वो पता नहीं क्यों मेरी पर्सनैलिटी में कोई खामी है कि मुझसे जब तक कोई लोग मिल नहीं लेते, जैसे मेरे दोस्त खलीक जिसका फ़ोन आया तो इसका हल्का बहुत बड़ा है ये, तो कुछ लोग मैं तो इससे मिलता था, बाकियों से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, तो जिनसे ताल्लुक वास्ता हो जाता था वो कहते थे यार हम समझते थे कि और ये बंदा तो पता नहीं कोई जागीरदार टाइप आदमी है, वो चौधरी गुस्सा करे। नए जूनियर आर्टिस्ट से बस मुझे इतना ही कहना है कि अपने आप को एक्सप्लोर करें, सीखें,
और मार्केट में ये मत देखें क्या चीज़ बिक रही है और वैसा बनाना शुरू कर दें। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे जब तक खुद ओरिजिनल काम नहीं करोगे। चाहे आप स्टिल लाइफ ही करें, कुछ भी करें, फिगरेटिव करें, लैंडस्केप करें, कुछ भी करें, ओरिजिनल सोच के करें, अपनी सोच। उस्तादों से सीखें, उस्तादों के पीछे मत चलें। हमने अपने उस्तादों से सीखा और अपना रास्ता अलग करने की कोशिश की। मैंने लैंडस्केप उस तरह से इसीलिए नहीं किया कि मैं खालिद इकबाल की इतनी छाप है, पूरा पंजाब उनके पीछे लगा हुआ है, और जो नहीं दूसरे इलाकों के भी वो यही है कि जी खालिद इकबाल जैसा लैंडस्केप हो जाए। तो ना करो ना, कुछ और करो या उसी में कोई तब्दीली करो फिर। ठीक, तो फॉलो ना करें।